से भारत का संविधान नहीं समझा पाया, ये अरशद मदनी अपनी भाषण देके समझा लेंगे। तो मौलाना अरशद मदनी की एक वीडियो वायरल होते हुए नजर आई है, जिसमें उन्होंने मनु और आदम अलैहिस्सलाम को एक ही बताया। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, और जिस चीज के लिए हम लोग जो अंबेडकरवादी हैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश को ये समझाने के लिए कि इस देश में, इस मुल्क में दो ही वाद हैं, एक मनुवाद और एक अंबेडकरवाद, यानी के एक अंबेडकरवाद है जो भारत के संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहता है, जो भारत के संविधान, जो भारत का संविधान ये कहता है कि सभी मज़हब को आज़ादी है अपना अपना मज़हब पालन करने के लिए, मानने के लिए, और इंसान इंसान के बराबर होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। एक सोच ये है। दूसरा है मनुवाद, जो ये कहता है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, सब लोग ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए, बाकी सब लोग, ये यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे सब कुछ सब लोग होते हैं, छुआछूत होनी चाहिए, और कुछ लोगों को एक जगह से पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ लोगों को घोड़ी, अगर शादी है तो घोड़ी नहीं चढ़ना चाहिए। ये मनुवाद है, यानी कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, छोटा और बड़ा होता है, यही दो वाद हैं बुनियादी तौर पे। तो मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो टॉप लीडरशिप है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब आरएसएस यानी कि मनुवादी मानसिकता के गुलाम हैं, उनके साथ हैं और उनके इशारे पे काम करते हैं। मैं एक और भी बात कहता रहा हूँ कि मनुवादी मानसिकता बजायर यानी के प्रत्यक्ष रूप से मुसलमान लगने वाला भी मनुवादी मानसिकता का हो सकता है, यानी मनुवादी हो सकता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, बाकी सारे मजहब जो दुनिया के हैं वो इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं, लेकिन बजाहिर कोई क्रिश्चियन भी नजर आ सकता है लेकिन उसकी मानसिकता मनुवादी हो सकती है, अगर वो इंसान को इंसान से बड़ा या कम समझता है। तो कोई सिख भी हो सकता है, देखने में सिख लगेगा, लेकिन अगर उसकी मानसिकता इंसान को छोटा बड़ा मानने की होगी तो वो सिख धर्म के खिलाफ है। उसी तरीके से जो मुसलमान मनुवाद को मानता है, मनुस्मृति को मानता है, या मनुवादी मानसिकता का है, तो वो मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म का मानने वाला हो ही नहीं सकता। ये बात हम लोग बार बार कहते रहे इसी बात की वजह, और जितने भी देश के मजलूम हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज, वो एक तरफ हैं और मनुवादी मानसिकता के लोग दूसरी तरफ हैं। तो RSS के लोगों को, मनुवादियों को इस बात से बड़ी तकलीफ थी कि मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच में जो वो लोग कन्फ्यूजन पैदा करने चाहते थे, वो हम लोगों की जो अंबेडकरवादी हैं उनकी मेहनत से दूर हो रही थी, और SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सभी मनुवादी मानसिकता को रिजेक्ट करते हैं, मनुवादी मानसिकता को नहीं मानते, मनुवादी मानसिकता का विरोध करते हैं, और ये कहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर होता है और सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए। तो अब मनुवादियों के मन में बहुत कुलबुलाहट थी, बहुत परेशान थे, अंबेडकरवाद से ही परेशान है सबसे ज्यादा, और उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और चीजें तो वो खुद ही कराना चाहते। तो बहुत दिनों से ये साजिश चल रही थी हम लोगों के खिलाफ, अंबेडकरवादियों के खिलाफ, जिसका एग्जाम्पल फैजान मुस्तफा, जिन्होंने जो राजस्थान हाईकोर्ट में एक जगह मनु जी की मूर्ति है उसकी तारीफ की और फोटो खिंचवा के किया, ये उस साजिश का हिस्सा थी। उसके बाद हमारे एक अभी अब्दुल नजीर साहब, जज साहब रिटायर हुए हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसले में दिया था, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े होके उनकी जो
शराब पार्टी हुई थी उसमें हाथ में लाके खड़े होके फोटो भी खिंचवाई थी और उसको उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है, रंजन गोगोई साहब ने। अब्दुल नज़ीर साहब रिटायरमेंट होते ही गवर्नर बना दिया, उन्होंने भी मनु की और मनु स्मृति की तारीफ की थी, वो भी ऑब्वियसली नजर आ गई कि मनुवादियों के कहने से ही की होगी। और मैं इन दोनों लोगों का शुरू से क्रिटिसिज्म करता रहा हूं कि ये लोग मनुवादी मानसिकता के हैं, इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, भारत के संविधान से। हालांकि दोनों ही अपने आप को बहुत बड़ा जूरिस्ट बनते हैं, तो इनका भारत के संविधान से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी भी बहुत सारी प्रदर्शन देखे, सुरेश चव्हाण के को देखा, बहुत सारे संत जो अपने आप को कहते हैं उनको देखा, कि भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? और हिंदू राष्ट्र जो है मनुस्मृति से चलेगा। और आज मौलाना अरशद मदनी, अभी अभी कुछ दिन पहले भी एक डेलीगेशन मिलके आया ना, आरएसएस मोहन भागवत जी से, एमआरएम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसमें इंदिरा, क्या नाम है, इंद्रेश कुमार, जिनके ऊपर आतंकवाद के भी एलिगेशंस लगते रहे, उनसे बड़ी गठजोड़ करके बड़ी गहरी मीटिंगें कर रहे हैं हमारे कुछ लोग, सो कॉल्ड नजर आने में मुसलमान लेकिन अंदर से मनुवादी, मनुवादी मानसिकता के वो लोग भी मिलके आ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन आरएसएस की और मनुवादी मानसिकता की थी कि इस तरह की बात करें कि मनु को आदम अलैहिस्सलाम से मिलाया जाए, ये बोला जाए कि दोनों एक ही हैं। क्या कोई भी जुडाइज्म मानने वाला, यहूदी मजहब को मानने वाला, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, सिखिज्म को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला, जैनिज्म को मानने वाला, लिंगायत मजहब को मानने वाला, कबीर को मानने वाला, रविदास को मानने वाला, रायदास को मानने वाला, कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मैं मनुस्मृति में विश्वास रखता हूं, मनु हमारे मजहबी रहनुमा थे? ऐसा कोई भी कह सकता है? सिर्फ वही कह सकता है जो मनुवादी मानसिकता का हो, जो दिल के अंदर, दिल से तो मनुवादी हो, ऊपर से मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध या कोई और मजहब का बनके दिखा रहा हो, ताकि इन मजहबों के लोगों को बेवकूफ बना के धोखा दिया जा सके। दिल में तो उसके मनुवादी है। और ये मनुवाद इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो बजाहिर एक इस्लामिक कंट्री कहता है ना अपने आप को, लेकिन वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो भारत की गवर्नमेंट से ज्यादा मनुवादी है। वहां आज तक जमींदारी एक्ट एबॉलिश नहीं हुआ है। वहां आज भी आम इंसानों को, हालांकि कहने को तो इस्लाम मजहब के ही मानने वाले हैं, जानवर से बुरी तरह ट्रीट किया जाता है जो जमींदार कम्युनिटी के लोग आते हैं। देख लीजिए वहाँ की, आप लोग वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ आप देख सकते हैं। खुद इस्लाम मजहब के मानने वाले इस्लाम मजहब के मानने वालों को जानवरों से ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट करते हैं, वही ट्रीटमेंट जो यहाँ मनुवादी मानसिकता के लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के साथ करते हैं, वही एग्जैक्ट बिहेवियर वहाँ इस्लाम धर्म के मानने वालों के साथ, इस्लाम धर्म के मानने वाले जो देखने में नजर आते हैं मुसलमान, वो वही बिहेवियर करते हैं, ये सच्चाई है। तो मनुवादी मुसलमान जो है वो मुसलमान नहीं होते, वो मनुवादी ही होते हैं। तो अरशद मदनी साहब ने आज नकाब चेहरे से उतार दिया इस बड़ी मीटिंग का। रामा उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन असली मकसद ये था कि मनु को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के भारत का संविधान लाया था, तो बात ये थी कि मनु को आदम अलैहिस्सलाम से मिला के मुस्लिम कम्युनिटी को एससी एसटी और ओबीसी से दूर करने की साजिश है। और आरएसएस ये चाहती है कि मुसलमानों को बेवकूफ बना के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, अपने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी भाई और बहनों से दूर। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, भारत के संविधान के भी खिलाफ है, और हर एक मजहब के जो मनुस्मृति को नहीं मानता उसके खिलाफ है। तो हम सब लोगों को ये साजिश समझनी चाहिए। ये अरशद मदनी और इनके भतीजे जो हैं महमूद मदनी, ये सब मनुवादी मानसिकता के हैं। इन्हीं लोगों ने ये हमारे बीच में
जो अशराफ और अजलाफ की जो दरार डाली है, ये यही मनुस्मृति के मानने वाले लोग जो मुस्लिम धर्म में घुस आए हैं, कुछ जो अपने आप को मुसलमान दिखाते हैं, है मुसलमान नहीं, हो ही नहीं सकते, ये उन्हीं की साजिश का हिस्सा है। इससे हमें बहुत होशियार रहना है। अरशद मदनी, महमूद मदनी और कोई भी इस तरह का इंसान जो मनुवाद को, मनुवादी मानसिकता को डिफेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसका बायकॉट होना चाहिए। वो भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के कानून के खिलाफ है और सारे मजहबों के खिलाफ है जो मनुस्मृति को नहीं मानते, जो कि सारे ही मजहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।